Hey guys, welcome back again on channel। घर में खेलते हुए बच्चों को अक्सर चोट लग जाती है, या फिर किचन में काम करते हो या सब्जी काटते हो तो आपको अक्सर उंगली पे चोट लग रही होगी या आपका हाथ कटा होगा, तब आप तुरंत तलाश करते हो बैंडेज को। छोटी सी ये पट्टी सालों से छोटी मोटी चोटों से हमें राहत दिलाती आ रही है। जॉनसन एंड जॉनसन की बैंडेज इस फील्ड की महारथी मानी जाती है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन तकरीबन 100 साल से बैंडेज बनाते आ रहे हैं। सालों से इस बैंडेज की ओर हमने कभी नहीं देखा, तो चलिए आज जानते हैं बैंडेज के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फन फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टे। प्राचीन काल में मिस्र के लोग घाव को ठीक करने के लिए उसके ऊपर शहद लगाते थे, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक के गुण होते थे। रोम के डॉक्टर पुदीना, केसर, चांदी जैसी चीजों को मिलाकर उसका पेस्ट बनाते थे और इसको घाव के ऊपर ठीक करने के लिए लगा देते थे, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होता था। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि बैंडेज का इन्वेंशन किसने किया। बैंडेज का आविष्कार 1920 में जॉनसन एंड जॉनसन के एम्प्लॉय अर्ल डिक्सन ने हाईलैंड पार्क न्यू जर्सी में किया था, स्पेशली उनकी पत्नी जोसेफिन के लिए, जो खाना बनाते समय अक्सर अपनी उंगलियों काटती या जला लेती थी। तभी उन्होंने सोचा कि अगर जब मैं घर पर मौजूद नहीं रहूंगा तब चोट लगने पर उनकी वाइफ क्या करेंगी, तभी उन्होंने बैंडेज का इन्वेंशन करने का आइडिया आया। डिक्सन ने अपने बॉस जेम्स वुड जॉनसन को ये आइडिया सुनाया। उन्हें ये आइडिया काफी पसंद आया, जिसने बैंडेज को प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंचा दिया। डिक्सन का जॉनसन एंड जॉनसन में काफी एक सक्सेसफुल करियर रहा था। 1921 ये वो साल था जब बैंडेज को मार्केट में उतारा गया था। पहली बैंडेज जो बनाई गई थी वो 3 इंच चौड़ी और 18 इंच लंबी थी। 1924 तक जॉनसन एंड जॉनसन ने मशीन से बनाए जाने वाली बैंडेज को मार्केट में उतार दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारी मात्रा में बैंडेज भेजी गई थी ताकि घायल सैनिकों को जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। इसके लिए स्पेशल पैकेज भी बनाए गए थे। 2017 में स्क्रीन फ्लेक्सी नाम की बैंडेज मार्केट में उतारी गई। ये ट्रांसपेरेंट होती थी और स्किन के साथ मैच भी हो जाती थी, ताकि लोगों को ये एहसास ही ना हो कि उन्हें कोई चोट लगी। ये 24 घंटे तक चलती थी और इसे पानी से धोने के बाद भी ये नहीं उतरती थी। बैंडेज के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, यदि आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। बैंडेज का पहला फैक्ट ये है कि उस मेडिकल टीम के साथ इस बैंडेज को भेजा गया था जो अपोलो 8 और अपोलो 11 मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट में सवार लोगों के लिए बनाई गई थी। और कौन जान सकता है कि चंद्रमा पर जाते वक्त नील आर्मस्ट्रांग को रास्ते में कहीं पे चोट लग गई हो और उन्होंने ये बैंडेज लगाई हो और इसी बैंडेज के साथ उन्होंने मून वॉक किया हो। बैंडेज का इन्वेंशन हुआ उसे आज कई साल हो गए और बैंडेज का नया वर्जन आपको शायद साइंस के काफ़ी और करीब ले जाएगा। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ने एक रिपोर्ट में उन्होंने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का उपयोग करके आप घाव को भरा जा सकता है। ये उसी तरह का होगा जैसे कि आप कभी कोई डिवाइस पहने हुए हो, जैसे कि एप्पल वॉच या फिटबिट। इस तरह की बैंडेज हमारे भविष्य में आ सकती है। दोस्तों बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।